आप सोचते होंगे कि हैदराबाद की हर फिल्म चार मीनार से क्यों शुरू होती है। वो इसलिए कि हैदराबाद सारी दुनिया में तीन चीज़ों से जाना जाता है, चार मीनार, बिरयानी और यहाँ का नवाबी अंदाज। हमारी ये कहानी एक ऐसे मगरूर नवाब की है जिनको अपनी शान और शौकत दुनिया की हर चीज़ से अजीज़ है। नवाब साहब, बल्लू अग्रवाल बात कर रहा हूँ। हाँ बलविंदर, हमेशा की तरह आज भी आप लीड करते करते हार गए और जाकिर रुस्तम तीसरे नंबर पर आ गया। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, अगर जॉकी संजय होता तो हम जरूर लीड करते। नवाब साहब, ये 20-20 लाख के झटके कहीं आपको हमेशा के लिए ना गिरा दे। अगर हम शेरवानी झटके तो 20 लाख गिर जाएं। आप नवाबा भी ना, गिरे तो गिरे अपनी टांग ऊपर ही बोलते हैं। इसीलिए तो नवाब है। ठीक है बलविंदर, फिर मिलते हैं। पांच साल पहले देखा था, पांच साल में काफी बदल गए हो। आपकी दुआ से हुजूर, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। मुबारक हो, आखिर तुमने अपने बेटे को डॉक्टर बना ही दिया। मैं कौन होता हूँ हुजूर, बनाने वाला तो ऊपर है। इसने मेहनत की, उसने उसे कामयाबी दी। एजुकेशन भी अजीबोगरीब चीज है, छोटे बड़े का फर्क मिटा देती है, लेकिन वफादार लोग अपनी औकात नहीं भूलते। शेरवानी अच्छी है मगर कौवा कभी कबूतर नहीं बन सकता। खैर, बाप की अखलाक बेटे में आना जरूरी नहीं है। इजाजत दीजिए नवाब साहब, खुदा हाफिज। देख मियाँ, ये नवाब के सामने फिर शेरवानी पहन के माता। ये क्या दीवानापन है, इंसान आज कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, उन्हें कोनो तो रोकने वाले। चलिए, तानाशाह के पास काम करने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मियाँ, तू क्लिनिक खोल ले, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। रही इन लोगों की बात, इनका तो खानदान ही जैसा है। इनके बाबा फिल्म महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना को शेरवानी पे देख के नाराज हो गए थे। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। सरकार के शरबत का वक्त हो गया है। अब लाया शरबत, तेरे शरबत के इंतजार में राजेश खन्ना का पूरा गाना गा लिया। अगर और थोड़ी देर नाचता तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था मेरे को। ग्लूकोज की क्या जरूरत है सरकार,
शरबत जो आ गया है ना। अरे वो बुझते हुए चिराग, उल्टे सीधे जवाबा देंगे ना तो फूंक मार के बुझा दे, तो समझा। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आजकल रातों को बहुत सोरा करते। गुस्ताखी माफ सरकार, रात होती है सोने के लिए। जवाब दिए बगैर नहीं रह सकता। हाँ, बड़े लोग कुछ बोले तो खामोश सर झुका के सुन लेना। रात सोने के वास्ते होती मेरे को भी मालूम, मगर हमारे जैसे नवाबों के वास्ते, तेरे जैसे गुलामों के वास्ते नहीं, समझा। आइंदा से अगर रातों में सोएंगा तो कॉल सेंटर पे ड्यूटी पे लगा दे, तो वो भी नाइट शिफ्ट में। अब बैलों के जैसा सर न को हिला, हुका दे। फिर शेरवानी जला दिया। जब भी तेरा पिछला हिसाब क्लियर होने वाला रहता तू कुछ ना कुछ नुकसान करके नया खाता खोल लेता। ये इस्तेरी का काम दूसरों से करा लो। पिछले 5 साल से खाली इस्तेरी पे रख दिया काम सिखाते बोल के, सामने के लौंडे कारीगर बन गए। और ये उल्लोगा कारीगर बनेंगे। उन लोगों के ऊपर का माला तुम जैसा खाली नहीं है, उसमें भेजा है। अब इसको देखो, सदा ओंकते रहता। फुड़क मुर्गी क्या वर्षा, फुड़क मुर्गी किसको बोले, मर्दों में मुर्गा बोलो। और क्या बोलना रहे तेरे गुप्पी पे, बैठ। मजबूरी का फायदा उठा रहा साला। इन्हें पिछले जन्म में गवर्नमेंट सर्वेंट था, सरकारी नौकर, इसके वास्ते ऐसा है। नुकसान भी भरो फुकट में, तुम्हारे भैरिया भी खाओ। आइंदा से भैरिया मारे तो चालाना नहीं मानना, पहले बोल दे रहा मैं। चलो खामोश काम पे लगो, जहांगीर नवाब की शेरवानी जल्दी रेडी करो। चालाना मार के फकीरा भीख मिली तो खुश हो जैसा खुश होता। इसकी यही हरकतों की वजह से इसके पास से चोरी करे तो मेरे को बुरा नहीं दिखता। अरे ओ झिंगे, गाड़ी कहाँ पार्क कर रहा, ये पार्किंग नहीं है। कस्टमर के वास्ते पार्किंग कहाँ है? किसका कस्टमर है तू? आपका ही कस्टमर हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल यहाँ सिर्फ खानदानी नवाबों के शेरवानियाँ सिलते, तू कौन से खानदान का है रे? शेरवानी सिलाने आया, कोई रिश्ते की बात करने नहीं आया। आप कौन से खानदान के बारे में पूछ रही? अरे वो नीके खानी के सुखे खजूर, यहाँ खानदानी लोगों के शेरवानियाँ सिलते, तेरे जैसे फटी चोरों के नहीं, चल जा। आप अच्छे सीते बोल के आया तो ऐसा डिमांड कई को दिखा रही? अच्छा सीटी है? अरे 5-स्टार होटल में भी अच्छा खाना मिलता है, कभी वहाँ जाके खाया? नहीं खाया। इससे पहले के कोई और नवाब आया तो यहाँ से चले जा, चले जा, चले जा। अरे सर के खत पे ये गाड़ी लाता, चल। अब शादी की शेरवानी कहाँ से लाना की? अरे वो झुमकुर गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। अब जान दो भाई, अब रेडीमेड ही ले ले तो। आइए चले जा, चले चल, आइए 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 नवासम अभी। बीमार कमजोर नातवान, तेरे को चलने नहीं आ तो एक जगह बैठे रहे। अभी सरकार आपके आने की खुशी में मैं उछल पड़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या खूब बहाना है। अब ये शेरवानी का क्या करेंगे? अजी सरकार शेरवानी का आप बेफिक्र रहिए, मैं ट्रैकिंग में आपको मिला के दे देता हूँ। तो वो कौड़ी के दर्जी, तू हमारी शेरवानी ड्रैकलिन में धुलाएगा? तेरे को मालूम है हमारे कपड़े लंदन में धुलते हैं, वो लंदन कहाँ है तुझे पता है? ये सब ये दोनों फ्लासियों की तरफ से हुआ, ये लोगों का सुबह सुबह में फ्लास मुंह देखा ना, आपका नुकसान हो गया नवाब साहब। अरे ये क्या लेबर गले पड़ू, इंडिया माँ छर गए तो टीवी का खुसर करते। चलो नाला आखो काम करो, ये हमारी शेरवानी को लंदन के ड्रैकलिन में धुलवा के मंगाओ। और वो पुरानी शेरवानी का क्या हुआ? हाँ सरकार, मैं कल कल पहुँचाऊंगा, मैं आप बेफिक्र रहिए, कल कल तक मिल जाएगी। शर्फूमिया, वैसे तो तुम्हारे जैसे छोटे आदमी को हम अपनी दहलीज पर भी कदम रखने नहीं देते, मगर तुम्हारा छोटा खानदान बरसों से हमारी खिदमत करते आया है, इसलिए तुम मेहमान की तरह नहीं खिदमत गुजार की तरह हमारी दावत में शरीक होना चाहिए। सरकार का इकबाल बुलंद हो, सरकार ने हकीर को इस काबिल समझा। ठीक है, ये शेरवानी हम भिजा देंगे। शुक्रिया, खुदा खुदा। चलो रे काम करो, चलो काम पे लगो। नवाब साहब दम है तो बोलिए, आज का आईपीएल मैच कौन जीतेगा? मैं तो मैच नहीं देख रहा हूँ, इस मैच का पहला चॉइस तुम्हें देता हूँ। हम तो हमेशा से दक्कन चार्जर्स के साथ हूँ।
ठीक है, जैसे मैच खत्म हो जाए वापस फोन करना। जी नवाब साहब, फिर कॉल करता हूँ। राइट। बीपी तो नॉर्मल है लेकिन शुगर बढ़ी हुई है, मीठा खाना कम करिए नहीं तो शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं तो मीठे का शैदाई हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। ये लोग आपके साथ हैं? नहीं तो। सरकार, मैं अकबर और ये बीरबल। तो क्या करूं, अकबर और बीरबल आए बोल के दरबार सजाऊं? नहीं, वो पहले वाली शेरवानी तैयार हुई बोल के लेके आए आपके लिए। तो ऐसा बोलो ना, छोटू दर्जी के पास से आए, ये शेरवानी ले लो। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। शुक्रिया। और सुनो, वो पुरानी वाली ड्रैकलिन की शेरवानी का क्या हुआ, पूछो। जी जी सरकार, जी सरकार। खुदा हाफिज़। हाँ बोलो। नवाब साहब, आप हार गए, कुछ दिन से किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। किस्मत पर कमजोर लोग भरोसा करते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारी किस्मत का हिस्सा तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसे छोटे लोगों से मुझे इसलिए नफरत है, पहली बार मेरे घर को आए, इनकी सूरत देखते ही 8 लाख का चुन्ना लग गया। क्या कुत्ते की जिंदगी है उस्ताद, ना इज्जत है ना पैसा है। वो नवाब को देखो, पेट पे से जान कुर्बान है बोल के फिर भी हर चीज खाने को तड़प रहा, अपनी किस्मत में जहर भी नहीं है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है रे, अच्छा खाना नसीब नहीं है तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेहत तो है। चल तबीयत हट की लाश उनसे बालकनी में आती। जेब में 60 रुपए है तो बोल, अब भी तेरे को बालकनी में बिठाता हूँ, समझा। मगर तेरे जैसे लोग बालकनी में बैठे तो वहां भी सीटियां मार मार के बालकनी को थर्ड क्लास कर देते। चल। अरे लावारिस, मैं वह बैल के जैसा मेहनत कर रहा हूँ, तू या कुत्ते के जैसा लौट रहा, शर्म नहीं है तेरे को? ये धूप में काम नहीं होता, अपने से दूसरे नौकर को देख लो, वैसे भी हल बैल चलाता, ये शेर नहीं। अरे वो धूमकट्टे शेर, इसके वास्ते आपकी बात, तेरे को इलेक्शन में ठहरा रहा हूँ मैं। वो कैसा इलेक्शन में ठहराया तो अपोजिशन वालों से कम तेरे अम्मा कौन थे, बाबा कौन थे, पता तो चलेगा। ये रजिया भी आज तक खाना कभी टाइम पे नहीं लाई। का टाइम होगा इसका पता नहीं। आ गए तुम, दुल्हन के जैसा तैयार हो गए, तुम्हारे तो मजे चल रहे, पैरों को मेहंदी भी लगा लेना था। मैं अभी कोई ऐश नहीं कर रही हूँ, दिन रात तुम्हारे घर के पीछे घसी जा रही हूँ। क्या है कि तुम्हारे बात, तुम ना लड़ लेते रहो, मैं खा ले गया तो। अरे ठहर, अनाज के दुश्मन, तू खा लिया तो मेरे को क्या बचेगा, चलो। तुम भी खा लेना था, ऐसे रुके बने से बोले तो ना फकीर भी नहीं खाता। वैसे भी मैं खा कर आई। अच्छा हुआ ना आप खा के आए, जो नहीं तो मेरे खाना कम पड़ेगा। अनवर से बात हो गई मेरी, दुबई का वीजा आने वाला है, आते निकलना है। जो बैल अपने गांव में नहीं बिका वो दूसरे गांव में क्या बिकता की। इसके वास्ते तुम्हारे को टीवी ज्यादा नको देखो बोलते, ये टीवी देख देख के चुरके देने वाले बात बहुत सीख रहे। बस है। मैं जा रही हूँ, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा। भाई अब सख्त आराम की जरूरत है, फुल खा लिया मैं। जब से क्या कर रहा था रे बैल, चल काम बहुत है अभी। फिर आ गई तू, जमीन मेरा है बोल के बुलाना। ये इस बात तू सरपंच साहब के सामने बोल के दिखा। सरपंच क्या, चीफ मिनिस्टर आने दे, प्राइम मिनिस्टर आने दे, ये जमीन मेरा है, मैं यही रहूंगा, चल निकल।
सुन रहे तू, कहां से आया? आज तक हमारे गांव में कब्जे का नाम तक नहीं सुने और तू हमारे ही जमीनों को कब्जा करने आया, तेरी ये हिम्मत? ओ सरपंच, तुम्हारे गांव का प्रॉब्लम देखो, मेरे मामले में दखल मत दो। ये गांव का प्रॉब्लम ही छे रे। और सुन, ये गांव नहीं मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे घर वाले हैं। आज के बाद ये गांव नहीं आजू बाजू 10 गांव तक तू नजर आया ना, जाम पेस्टर पिटा, चल नडू है। देख लूंगा। देखेगी, चल। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कमीने की तरफ से हम लोग इतने परेशान थे, खाना पीना सोना सब हराम कर दिया समझो। क्या है अम्मा, आप भी ऐसा करते? इतने दिनों से प्रॉब्लम मेरे को बोलना था ना, खाली एक मिनट में सेटल कर देता था। मेरे से गलती हो गई थी सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। उस्ताद, अपन लोग पढ़े लिखे होते तो छोटू मास्टर की गुलामी से तो बचते, डॉक्टर टीचर कम से कम पुलिस वाले तो होते। क्या फर्क पड़ता रही, डॉक्टर आ रहे थे तो मरीजों को लूटते थे, टीचर रहते तो तालीम बेचते थे, पुलिस में रहते तो रिश्वत खाते थे। जब पढ़ लिख के भी यही काम करना है तो खाली पीली पढ़ाई का नाम कहीं को बदनाम करना रे। तुम्हारा इरादा कहीं चोरी करने का तो नहीं है ना? बिल्कुल है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और महान गायक किशोर कुमार एक जगह बोले, जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। अगर अपन ऐसा नहीं करे तो आने वाली नस्ल अपन दोनों के ऊपर थूकेंगी। चल दुकान पे एक नजर डालेंगे, कुछ तो भी मिलता देख। ये चार खंडिल के पास क्या मिलता भाई, सिवाय सुई और तागे के। ये तो वेल की कॉपी है, क्या है, कुछ भी नहीं है। देख, नवाब की झूठी शान, नवाब शहबाज जंग की शेरवानी का बटन, सुबह नवाब साहब के पास ले आके दे देंगे, अच्छा इनाम मिलता अपने को। खामोश बैठ, उन्हें जो इनाम देंगे ना उसमें आधा किलो आम भी नहीं आते। यही अगर अपन ले जाके दिलावर खान के बाजार में बेचे तो एक आम का झाड़ खरीदे उतने पैसे मिलते, समझा? क्या चीज मिली समझ रहा तू? अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। है और भी दुनिया में चोर उचक्के बहुत अच्छे, कहते हैं कि अकबर बिरबल का है अंदाज ही कुछ और। आओ, बहुत दिनों बाद हमारे दरबार की याद आई। अब रोज रोज आपके दीदार करे जैसी हमारी किस्मत कहाँ है भाई, बरसों में एक बार चांद ग्रहण सूरज ग्रहण को देखे जैसा आपको देख लेते। समझ के बाहर है मियां तेरी बातें। खैर क्यों आया बोल? एक छोटा सा नजराना लाए थे आपके वास्ते, कबूल कर लिए तो इनायत होंगी। ना मुगलों की सल्तनत बाकी है, ना आला हजरत की हुकूमत बाकी है, शान तो सारी खत्म हो चुकी दिलावर, ये एक शेरवानी का बटन बाकी है। वाह वाह, क्या बात है भाई। शबनम के खतरों से प्यास नहीं बुझती मियां, एक आध बड़ा हाथ मारो ताकि हम तुम्हें एक ही झटके में बड़ा बिजनेसमैन बना सकें। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। नवाबों के माल पे अच्छी हाथ की सफाई दिखा रहे हो। हाथ साफ नहीं कर रही बल्कि उनके माल को चोरों से बचा के हिफाजत से आप तक पहुँचा रही। ये लो, साइज देखो तो लगता है कि अभी पूरे बने भी नहीं थे मियाँ, टटोलने की नौबत है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी। ऐसी बात नहीं है भाई, हम पैदा हुए जब कॉम्प्लेन मार्केट में नहीं आया था, नहीं तो हम लोग अभी 6 फुट के नौजवान होते थे। क्या रे? अब ज्यादा बात मत कर, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, चल निकल ले यहाँ से। जी शुक्रिया भाई। నిన్న మనోడు ఒకడు పట్నంకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసిండు, ఆడ బియ్యం కొనికపోతే చాలా అగ్గో చెప్తున్నారంట, మన తన ఒడ్లు చూస్తేనేమో సస్తాలు అడుగుతున్నారు, అయితే ఎట్లా బతుకుతాం కాక? నమస్తే సర్పంచ్ సార్. నమస్తే. రేయ్ ఇదరా, క్యా రే టిప్పు, పుకడ్ మే జీనే కా ఇరాదా కర్ లియా క్యా? కై కో ఐసా బోల్ రే సర్పంచ్ సార్. కై కో ఐసా బోల్ రహా హూం, పూరే గావ్ సే కంప్లైంట్ ఆ రహే తేరే ఊపర్, దూధ్ వాలే సే పుకడ్ మే, पान के डब्बे वाले से पुकट में, और किसी से उधारी में, कब तक करते रहता रे ऐसे कामा, कब सुधरता रे? शर्म कर, शर्म कर। अच्छा वो सुल्तान किधर है? सुल्तान भाई दुबई जाने की तैयारी कर रहे सरपंच साहब। दुबई? दुबई कहीं कुरे, अगल हो गया क्या उन्हें? ठीक है मैं बात करता हूँ, तू जा। जी सर, चल दो। और सुन, आइंदा तेरे ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं आना, समझा? कल एक ही दिन रह गया मेरे को निकलने, परसों शाम में प्लेन है मेरा,
जरा वो दुब्बे टिप्पू को टोकते रहो, मैं नहीं रहा तो और भी शेर हो जाता उन्हें। ठीक है बेटा। तुम लोगों को भी बोलो जी, है अम्मी को ज्यादा नहीं सताना, क्या बोल रहे हो? सुल्तान। अरे सरपंच साहब आप आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते अन्ना। कैसे अम्मा? बैठिए सरपंच साहब। कहिए कैसे आना हो सरपंच साहब? क्या है सुल्तान मियाँ, दुबई जा रहे करते तुम? आओ सरपंच साहब, मैं बच्चों को और पढ़ाना चाह रहा हूँ, और आपको तो मालूम है आजकल पढ़ाई के वास्ते कितना पैसा होना पड़ता। मगर मैं सुना था कि वहाँ पर नौकरी के नाम पे गुलामी होती, तीन तीन चार चार महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, रहने को जगह नहीं, खाने को बराबर खाना नहीं। हाँ, अपना घर, अपना गांव, अपना देश, ये सब छोड़ के, अपनों को छोड़ के, ये खुली हवा, ये सब मिलते क्या उधर? कई को मुश्किल में डालता जिंदगी को। क्या है सुल्तान? मैं भी तो वही बोल रही हूँ। तुम चुप बैठो जी। सरपंच साहब, मैं जो भी फैसला लिया सोच समझ के लिया सरपंच साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर मेरे इरादे कुछ अलग है। ठीक है सुल्तान, समझाना मेरा काम है, बाकी तुम्हारा मर्जी। चलता हूँ, नमस्ते। रजिया, तुम ऐसा हिम्मत हार गए तो कैसा? अरे अब मैं कुछ नहीं कर लिया तो अगले 5 साल के बाद कुछ भी नहीं कर सकता। दुबई जाके थोड़ा बहुत कमा लिया तो बच्चों के काम आता ना। अपने कुछ कमी है क्या जो सात समंदर पार जा रहे? क्या तो भी करूं भाई, औरत का सात समंदर पार बोल बोल के पानी सुखा दे रही मेरा। तुम ही बोलो, इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या मिला अपने को? तो क्या बाप दादा की खेती बाड़ी को छोड़ के चले आते? अरे उसके वास्ते टीपू है ना, वो काम छोड़ क्या काम करता है? अब मैं हूँ बोल के नहीं कर रहा, एक बार सिर पे जिम्मेदारी आ गई तो कर लेता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रहा, कैसा दिल बोल रहा कि तुम्हारा? बच्चों के वास्ते तो जा रहा ना भाई, अरे वो दौर गया जब पैसे नहीं भी थे तो अपन पढ़ लिए, मगर आजकल बच्चों को पढ़ाई के वास्ते लाखों रुपए होना। जो होगा देखेंगे, अपन भी कोई दुनिया से अलग नहीं है। अरे मेरे अम्मा बाबा भी यही सोच के मेरे को नहीं पढ़ाए, अगर मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसी करा ना तो मेरे बच्चे आने वाले हालात से समझौता नहीं करेंगे बल्कि मेरे को गालियां देंगे। ये औरतों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। हैदराबाद की जमीन का क्या हवा? उसी की बात चल रही है, काम हो जाए तो 10 करोड़ की बात कर लीजिए, कल ही एडवांस क्या जी उम्र लगाया भाई, शहर के पूरे अय्याश खोर यही दिख रहे मेरे को। वाह क्या पैसा लुटा रहे हो सत लोगा। मेहनत से नहीं कमाए रे, मेहनत से कमाए तो ऐसा नहीं लुटाते, वो सब जान दे मैं नवाब तो दिख रहा ना। पूरे नवाबा पानी भरना तुम्हारे सामने। ऐसा बोलता, चल आज तेरे को पार्टी दे दो। इल्लों से अच्छी तो मेरे उस्ताद की दिख रही शेरवानी। लीजिए ना साहब, अन्ना शरबत चारों के हाथ से। अरे क्या बड़ा आदमी निकला भाई नवाब, शाहरुख खान को वेटर रख लिया। और रे फिल्मा नहीं चल रही ना आजकल, पब्लिक सिर्फ हैदराबादी कॉमेडी होना बोल रही समझा। मैं सुना ऋतिक रोशन काइट्स के बाद पतंगा बेच ले रखे थे। ऐसा? और कुछ चाहिए साहब आपको? अरे जरूरत पड़ी तो मंगा लेते शाहरुख भाई। मेरी शेरवानी? जरा मैं खाने को कुछ है क्या देख के आता। ये शेरवानी। अच्छा तुम्हें पसंद है तो हम तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। हम चंगेजी खानदान के वारिस, तेरे से शेरवानी पूछेंगे? योर हाइनेस, इसने आपकी शान में गुस्तागी की क्या? ये आदमी हमसे हमारी शेरवानी मांग रहा है, जबकि हमने इसे कह दिया है कि हम ये शेरवानी तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। मगर नए फकीर को भीख की जल्दी तो इसे भी जल्दी है। ये शेरवानी हमारी है, हम छोटू दर्जी को दिए थे ड्रैक लेन में धोने के लिए। जरा सुनिए आप लोग, ये मेरे गरीब दोस्त को परेशानी में इतना भी याद नहीं कि दर्जी के पास शेरवानी सिलाने के लिए दी जाती है, धुलाने के लिए नहीं। चलिए ये आदमी आपको पागल कर देगा, आइए। पागल समझ रहे हैं लोग आमिर को। चलो उठो बा, नवाब शेर खान साहब बैठते। आप कौन से एरिया के नवाब है? बैगन पल्ली के नवाब है। ऐसे कैसे हो सकता, बैगन पल्ली के नवाब तो हम हैं, नवाब इकबाल खान रईस सतौला। तो क्या बड़ी बात है, बैगन पल्ली में तुम्हारे सर के छोटे मोटे नवाब होते हैं। वहाँ के सब नवाबों को जानता हूँ लेकिन इन्हें कभी नहीं देखा। क्या हरकत कर रहे हैं ये अकबर बीरबल, बड़े लोगों की महफिल में आके क्या तो भी कर रहे हैं छोटे? नवाब साहब की शेरवानी उतार। तुम लोगों को मालूम रे, इतने गलतियों के बाद भी काम पे से कई को नहीं निकाला? लाइफ टाइम फ्री एक्टिवेट है बल्कि। नहीं बल्कि तुम लोग बेवकूफ है,
बदमाश और चोर नहीं, मगर आज जो हरकत करे ना उसे नवाब साहब तो क्या मैं भी माफ नहीं कर सकता। तुम लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया रे, उठ गया। भरोसा उठ गया तो फिर हमारा हिसाब करके भेजा दो ना। काय का हिसाब पूछ रहा रे? हाँ, पिछले 5 साल का। आज जो हरकत करे ना पार्टी में, और साथ साथ जो है शहबाजन के बटन की चोरी का इल्जाम उल्टा तुम लोगों के ऊपर 15,000 रुपए चढ़ गए रे। अब घस लेते रहो, घस लेते रहो। क्या रे, ससुराल वाले घरदामा से फुगट में कामा करा जैसा कामा करा आपने से? ससुराल वाले तो भी बेटी को देके कामा करा थे, यहाँ तो वो भी नहीं है छिटकू के पास ये। मगर अपन भी घरदामा सौदे में से पैसे चुराए जैसा इसके कितने की चीजें चुरा लिए, मगर इसको एक ही काम पे लगा। चलो चल ढीला रेस हो जा रहा, हंसने बोल के चलाना मारेगा। इतने छोटे काम के लिए आपने क्यों जहमत गवारा की? अगर आप हुक्म करते तो हम खुद हाजिर हो जाते और बटन टाक देते। हम चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी में जा रहे हैं, और पहली बात तुम ये हम मत बोल, छोटे लोगों के मुंह से हम अच्छा नहीं दिखता। दूसरी बात, ये शेरवानी के बटन इतने महंगे हैं कि हम खुद अपनी मौजूदगी में टकवाने आए हैं। ठीक है, नवाब साहब की शेरवानी के बटन जल्दी जल्दी टाको रे। मारे तो टाका, नहीं तो फाका है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने को सा। मैं पेशाब करके आता हूँ, जा तू टाक के रख। अरे तू निकलो जी, मैं आराम। चलो तू रुपये कर दिया देख मैं। ठीक है सर। छोटू चिराग या मोमबत्ती जलाओ। अच्छा सरकार। चल बेटा बिरबल यहाँ से निकल ले। अरे ओ मोटू मेरी शेरवानी दे। अरे मेरी शेरवानी दे। छोटू मिल गई। क्या मिल गई? गाड़ी की डब्बी। अरे मेरी शेरवानी। शेरवानी तो हाँ, अगर मेरी शेरवानी नहीं मिली तो गोली मार दूंगा। उस्ताद तुम वीरप्पन की गैंग में थे क्या? जंगल के पूरे रास्ते मालूम तुमको? आपके साथ रह के अब चोरी भी सीख गया, आगे क्या क्या सीखना पड़ता कि अब। उस्ताद छुपने के आवाज़ से ये भूत पगला मिला तुम्हारे को? ऐसे जगह सेफ रहते रे, यहाँ पे सिवाय शैतानों की और कोई नहीं आता, समझा? अब डर रखो, आ खतरा टले तक ये भूत बंगले को अपना घर समझ। चल कहीं को डर रहा, मैं हूँ ना। अहिले गले में तावीज भी नहीं है, जिम्मे पलिता भी नहीं, कहाँ फंस गए रे भैया। उस्ताद जरा हीरा निकालो ना, देखेंगे मेहनत का फल कैसा रहता है। ये देख। अब ज्यादा ना को देख, ज्यादा घुरा तो फुट जाएगा, तेरी नजर अच्छी नहीं है। एक दो दिन में सौदा करके दूसरे सिटी को शिफ्ट हो जाएंगे, समझा? उसके बाद लाइफ फुल एंजॉय करेंगे। तब तो फिर मैं जिम ज्वाइन करके दुबला हो जाता। ऐसा फिर तो फेमस हो जाता तू। वो कैसा? देख अब तू जिम ज्वाइन करके दुबला हो गया समझ, हा? तो जिम वाले क्या करते, तेरी फोटो निकाल के सुलाब कॉम्प्लेक्स पेशाब खानों पे लगा देते और नीचे लिख देते बिफोर आफ्टर। क्या बेइज्जती करते उस्ताद। अच्छा चल जान दे, सो जा, आज के बाद बड़े बड़े खबर देखना है अपने को। चाहते हैं तो पूरे भूतों के खबर आते। ज्यादा शरारत नहीं करना, क्या बोलो? अच्छा। तुम भी जी। अच्छा, अचार का डिब्बा बैग में छे, पहुंचते ही फोन करो, और फोन की डायरी भी बैग में रख दी। अरे फोन की डायरी कहीं कुछ रखे, मोबाइल में पूरे नंबर आ रहे थे मालूम नहीं। अगर फोन घुमा लिए तो? अरे बहुत दूर की सोचते तो। अल्लाह मोहम्मद निगेवान। अब क्या है? बस की खिड़की खुली रखे सरकार, प्लेन की खिड़की खुली नहीं रखना, तुम्हारे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता। अरे हौली औरत, प्लेन की खिड़कियाँ नहीं खुलते। चल तो अम्मी, खुदा हाफिज़। अल्लाह अच्छा रखो। उतरते ही हैदराबाद की बिरयानी खाना है। चल भुक्कड़, ख्याल रखो अपना। बैग में जैकेट रखी। चॉकलेट लाता हूं। पहन लो। अरे ज्यादा वजन रखे तो एयरपोर्ट पे निकाल देते। चल रहो, खुदा हाफिज़। Thank you.
साहब यहाँ पर भी नहीं करते उन लोग। चलो शाली बंडे पे देखेंगे। ये पेट की आग हीरे मोती से नहीं बुझती उस्ताद, कुछ खाने का इंतजाम करो। खामोश बैठ, तेरी ये गेंडी जैसी चर्बी को 40 दिन खाना नहीं मिला भी तो फर्क नहीं पड़ता, समझा? तुम तो चाह रहे होंगे मैं मर जाना बोल के, पूरा माल अकेले हड़प लेने को। वैसी बात नहीं है रे, मैं सोच रहा हूँ इतना सारा माल एक साथ देख के कहीं दिलावर शैतान तो नहीं बन जाएगा। पैसा बहुत बुरी चीज है उस्ताद, अच्छा खासा इंसान भी शैतान बन जाता, उन्हें तो पहले से ही शैतान है। एक काम करता हूँ, ये हीरा ले जाके उसकी नियत आजमा के आता। मैं भी चलता हूँ ना उस्ताद, ये शेरवानी पहन के बाहर ठहरता हूँ। चुप बैठ गेंडे, ये शेरवानी है, गौ तक का खिलाफ नहीं है। तेरे आंग पे अगर कोई ये शेरवानी देख लिया ना, 25 लाख क्या 25 रुपए भी नहीं देता, समझा? और सुन, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना, क्या बोल रहा हूँ? तुम भी आए तो नहीं खोलना। अरे हौले मल्लू, मैं आए तो खोलना, दूसरे आए तो नहीं खोलना। एक काम कर दो, मैं कोड वर्ड यूज करता हूँ। क्या कोड वर्ड यूज करते? खुल जा सिम सिम, ऐसा कोड वर्ड यूज करता हूँ जब खोला, समझ गया ना? अब तुम आए थे टुट्टी खबर में, मैं अकेले रहना? हर इंसान अपनी खबर में अकेले रहता रे, आप खामोश मेरे आने तक इंतजार कर। खुदा हाफिज। देखे हैदराबाद उतरते ही बिरयानी की खुशबू आ रही। चल तेरे को फैमिली पैक खिलाता हूँ। चल कहाँ जरा गुटखा दो भाई। ये गुटके खा खा के मुंह पूरा उगालदान बना लिया, और थोड़े दिन खाया तो मुंह सुलाब कॉम्प्लेक्स बन जाता। मुंह अल्लाह का दिया हुआ है, ऐसे गंदे मिसाला नहीं देना। और ये अल्लाह मियां भी मुंह पाक साफ चीजा खाओ बोल के दिया, खैर खाओ बोल के नहीं दिया। पैसे दे, वो भी मैं दूं क्या? बैल देख रहे नवाब साहब कैसा घूर रहे, देखो बेशर्मा, तेल लगा के बाला चिपका लिए तो नहीं पहचानते, समझ रहा? अरे नमचूरी हमचूरी, जी भाई, इन दोनों को गाड़ी के अंदर डालो। अरे 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 तुम लगा, अरे शेरवानी अभी खा लगा, पेट दबा छोड़ अरे ने वही तुम ला गाड़ी में बैठ, तो भी ने वही तुम ला कहीं गाड़ी में बिठा रहे, का तभी लेके जा रहे। अरे मेरे प्लेन का टाइम हो रहा भाई, अरे का तभी लेके जा रहे तुम लगा। हां कई दिनों से कोई कीमती माल भी हाथ नहीं लगा, धंधा मंदा चल रहा है, इससे तो बस क्रैप का धंधा। लावर भाई आज एक ऐसा आइटम लाया हूँ जिसको आज तक आपके बाप दादा भी नहीं देखे होंगे। छोटे धंधे में बाप दादा को बीच में नहीं लाते। माफ करना दिलावर भाई, छोटा आदमी हूँ ना, खुश होने भी नहीं आता। चल माफ किया, बोल क्या लाया? क्या चीज लाया है इसको खुद नहीं मालूम होगा। कॉमन आइटम है। क्या बात कर रहे हैं दिलावर भाई, खानदानी नवाब की शेरवानी की जीनत को कॉमन आइटम बोल रहे हैं? पूरा सेट है तो बोल, 2.5 लाख देता हूँ। 5 लाख की पार्टी को अपन पीठ दिखा के आ गए। चल बैठ के बात करेंगे। तो आजकल पार्टियों के पास भी जा रहा बोल। पूरा सेट ला, 5 लेके जा। क्यों रे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है दिलावर भाई, उसूल भी तो कोई चीज है, है? मैं सेट लेके आता हूँ। साला सूरत से तो खेत लाए लेकिन काम लाखों का कर दिया। जा रहे इसका पीछा करो और देखो माल कहाँ छुपाया। कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। दिलावर अगर 5 लाख बोल रहा तो ये हीरे कम से कम 25 लाख के हैं। आज अपन संजय दत्त के जैसा बड़ा हाथ मार लिए। छोटू नवाब आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अंदर लेके आ रहे अल्लू भाई, ढकर रह गई कुछ साथ वाले हैं गुंडे, कौन तो भी भाई कान तो भी आ गए अपन। अब खामोश चलो, अरे किसका तो भी कर रही है। अरे हमचोरी इसका बैग खोल रहे। अरे दूसरों का बैग और खत खोलना बुरी बात है साहब। अच्छा
तो दूसरों का माल लेके भागना अच्छी बात है क्या? वो भी बुरी बात है। अरे उसमें बढ़िया अचार है, होना तो ले लो, हमारे को छोड़ दो साहब। नवाब साहब ये देखो पासपोर्ट। ओहो तो पूरी प्लानिंग से मेरी शेरवानी लेके बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुराने कपड़े बेच के बर्ताना खरीदते सुना था मैं, मगर ये शेरवानी बेच के बाहर भागते पहली बार सुन रहा हूँ। अरे झूठे, तेरा नाम सुल्तान अहमद है रे? हाँ, सुल्तान अहमद, वल्द रिजवान अहमद, माँ का नाम हलीमा खातून, बीवी का नाम रजिया खातून, बच्चों का नाम शाहरुख सलमान, गौ खानापुर, जिला पठानाबाद। मेरा भी इंट्रोड्यूस कराना भाई। ये मेरा नौकर जैसा भाई, भाई जैसा नौकर, काम वाम कुछ भी नहीं करता, तीन टाइम पेट भर खाता, और आज इस पेट कुड़ी की वजह से मैं मुसीबत में फंस गया। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं। वाह क्या चंगेज खान का इंसाफ, कानून को खुद हाथ में लेते और हमारे को अंदर करते। नवाब साहब अगर पासपोर्ट के हिसाब से इन्हें सब सही निकला तो पुलिस इसको छोड़ देंगी। हो सकता है असल में जो है इन्हें सुल्तान होगा, मगर अपने को जो है अकबर के नाम से धोखा दे रहा होगा। अरे छोटू तू सही बोल रहा, मगर इन दोनों का क्या करेंगे? वहाँ औरतों के जैसा खुसुर पुसुर क्या कर रही, या मर्दाने में आके बात करो। हा? ले जाओ इन दोनों को कैद खाने में गर्क कर दो। जल तू जलाल तू, आई बोला घुटाल तू, जल तू जलाल तू, आई बोला घुटाल तू, जल तू जलाल तू, आई बोला घुटाल तू, जल तू जलाल तू, आई बोला घुटाल तू। अरे हैबस से मर गया क्या गुल्लती पोटा? कौने? अरे गोल्डन भूल गया मैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। उस्ताद ही चुन गए। किस्मत की खोटी, जहाँ जाओ प्याज रोटी। अब क्या हुआ? अरे हीरे देखते दिलावर की नियत खराब हो गई, अनाकोंडा के जैसे आदमियों को पीछे लगा दिया। एक काम करेंगे, आज रात यहीं गुजार लेंगे, कल सुबह शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। अब फिर भूखे पेट सोना है? अब गम खा और आंसू पी, समझा? कल सुबह में तेरे को मुरख की नारी खिला दूं। चल दम गए वास्ते पानी डालते। आई उजाड़ हो जा, इतने बड़े शहर में दो खतगड़ों को कहां कहां ढूंढेंगे। मैं कितने बार बोली उनको, नक्को जाओ नक्को जाओ, दो दिन हो गए उनका कोई पता नहीं। अम्मी मामा का फोन। हेलो अजी आपो भाईजान, कौन से तो भी प्लेन में बैठ के गए, उनके नाम का कोई भी आदमी नहीं आया यहाँ पे। अजी सलमान के अब्बू कहाँ हो तुम? मेरे को जेवर नको, पैसे नको, कुछ नको, मिट्टी खा के जी लेंगे। हो तुम कहाँ? आ जाओ, कहाँ हो तुम? रो मत अम्मा, परेशान मत हो, उनका कुछ पहचान के लिए फोटो वोटो है तो साथ में ला लो, अपन सब शहर को जाएंगे, उन लोगों को ढूंढ के निकालेंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, पेपर में छपाएंगे, रेडियो और टीवी में ऐलान कराएंगे। फिकर मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लेता हूँ। सईद मियां गाड़ी निकालो। ठीक है सरपंच साहब, अभी जाके ला लेता हूँ बस। गाड़ी सीधा हैदराबाद जाती, फिर बीच में कहीं रुकती, यहाँ से निकली तो सिर्फ हैदराबाद ही रुकती। चलते दिमाग खराब करे क्या पर रहे। हैदराबाद जाते लाल बाजार को जाके चुड़िया खरीदूंगी। अरे खाला कई को पैसे खराब करे, खालू की तबीयत तो नाजुक है, कब चुड़िया फोड़ना पड़ता कि कब लच्छा उतारना पड़ता। तेरे मुंह में मट्ठी फड़ो। हाँ आई उजाड़ हो, कई को ऐसे बात कर रही। अरे खामोश बैठो रे, अगर दिमाग फिर गया ना तो स्टेयरिंग छोड़ कर कूद जाता हूँ। फिर खामोश, बेशर में तुम लोग, गांव के दो आदमी लापता है, लोगों को ढूंढने जा रहे, शॉपिंग करते, चार मीनार चढ़ते, चूड़ी खरीदते, क्या है तमाशा हो रहा? अब अगर आवाज करे तो गाड़ी को रोके सीधा उतार देता हूँ, समझे?
मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन ऐसी छंदरे में चार मीनार भी छुड़ा लेंगे। अरे तुम्हारे अब्बू। रोको रोको घड़ी रोको। वो मिल गए सुल्तान और टीपू। जरा पीछे लो। मैं क्या बोल रहा हूँ? नानी बात कर रहा। चार मीनार ये बैग में नहीं आता। अब्बू कहाँ चले गए थे आप? टीपू चाचा फोन नहीं करना। हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? और ये क्या सूरत बना के रखे रे मनुष्य सूरत? क्या तू भी है? क्या है रे साले, स्टाइल भी बदल दिए। कौन तो भी है लोग? क्या है कि उस्ताद समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। कौन है आप लोग? कौन है? दिमाग की बीमारी लग गई क्या? भूल गए ऐसी छोटा रे शहर की हवा खाने से गांड भी बैल हो जाता। चलो चलो मैं समझाता हूँ। गांव को ले जाके तुम लोगों का ऐसा इलाज कराता हूँ, ऐसा इलाज कराता हूँ। आवाज नहीं करना। चलो अंदर। ते पकड़ने की गाड़ी दिख रही है। अरे रास्ते तमाम पूछ रहा हूँ। कौन तो भी आप लोग बोल रहे नहीं कुछ भी? पूरे के पूरे खामोश बैठे हुए। ठहरो भाई। अरे बैग कहीं को ले जा रहे भाई हमारे अंदर? क्या है मियां कहीं को परेशान हो रहे? तुम्हारा बैग तुम्हारा बीवी लेके जा रही ना। अरे ये क्या सिस्टम है? कौन बीवी किसकी बीवी? हाँ क्या हुआ रे तेरे को? कहीं को ऐसा कर रहा? अब देखती हूँ ना ये दुबई कैसे जाते हैं। अम्मा जिसके लिए तुम इतने दिन से परेशान है तुम्हारे को मालूम उन्हें क्या बोल रहा? हाय अल्लाह क्या बोल रहे? क्या है रे दिमाग खराब हो गया? नहीं पहचानता तेरा बीवी को? अरे शहर से किसको भी उठा के लाके किसका भी मर्द बना देते क्या? ए मेरे परवरदिगार ये सुनने से पहले मेरे को मौत कहीं को नहीं आ गई। चिल्लाने के वास्ते इतना बड़ा मौत दिया ना काफी है। जाओ मेरा बैग लेके आओ। चीचा कौन सा गाँव है ये? गुलटा से दिया ना मालूम ना जो गाँव में चड्डी पहन के फिरता था वो गाँव भूल गया। मैं चड्डी पहन के फिरता था? उस्ताद ये खूनखार गाँव दिख रहा मेरे को जो मुसाफिरों को लाके लूटते। देखो ये टखला इनका सरदार दिख रहा। देखो सुल्तान तेरे बीवी के साथ कोई झगड़ा है तो हम सुलह कर देते। इधर उधर क्या देख रहा मियां? ये सुल्तान कौन है देख रहा हूँ? सरपंच साहब अभी मैं जवानी की 21 बहारे नहीं देखा अभी तक और आप मेरे को दो बच्चों का बाबा बना दे रहे क्या है? आए देखो आपा हमारे को हमारा बैग ला के दे दो जाना है। आप मेरे को आपा बोले? हाय अल्लाह ये आदमी मेरे को आपा बोल रहा। मैं तो बर्बाद हो गई। ये तो पूरा पागल हो गया। ये क्या कर रही है भाई? अब ऐसा नहीं होता ये दोनों को रूम में डाल के बंद कर दो। अरे मैं शायद फाड़ देते क्या भाई? अरे अरे ओ छोटू मास्टर कहाँ है तेरे वो अकबर बीरबल? कौन तो भी है तुम लगा? हम लोग दिलावर के आदमी आए। मेरा नाम बौंसर है और इसका नाम जुगनू है। वो दोनों चोरा तो 5 दिन से लापता है। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ लोगों को। परेशान कर दिए। अब ज्यादा परेशान नको हो वो लोग आते खबर कर दे। समझा? उसका छिलका दिलवार के आदमी नवाब साहब को बोलना ही पड़ेगा। क्या खबर है भाई? सारा शहर ढूंढ लिए। वो लोग जहाँ काम करते थे वहाँ भी गए थे। उसके मास्टर से भी पूछे। क्या बोला मास्टर? 5 दिन से काम पे भी नहीं आ रहे थे भाई। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है वरना वो इतनी लापरवाही से कैसे बोल दिया। कुछ तो गड़बड़ है। उस मास्टर के बच्चे पर नजर रखो, शायद वो भी उन लोगों से मिला हुआ है वरना अब तक पुलिस में कंप्लेंट कर दिया होता। तख दिया चल रहे। सरकार ऐसा कहीं को भाग क्या रहा? पागल कुत्ते पीछे पड़े क्या? कुछ ऐसी बात है सरकार। नवाबों के जैसा बात को लंबी करके नको बोल। तू छोटा आदमी है बात को छोटी करके बोल। दिलावर खां के 2 आदमी उन दोनों को ढूंढते हुए मेरी दुकान तक आ गए थे। दिलावर के आदमी इन दोनों को कहीं को ढूंढ रहे थे? दिलावर का भी कुछ लेके भाग गए होंगे उन लोग। अच्छा तो तू क्या बोला? मैं ये बोला 5 दिन से उन लोग खुद गायब है। ठीक है अभी चल के दिलावर से मिलते हैं। सरकार ऐसे फालतू आदमी से मिलना ठीक नहीं है। मैं जितना बोला उतना कर। ठीक है सरकार। हमारे को मशवरा दे रहा। चल जाके मिल के आएंगे।
हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नवाजिश आपने यहाँ आने की तकलीफ की है, आइए आइए नवाब साहब। ए नवाब साहब के लिए कोई ठंडा गरम लेकर आ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऐसे लोगों से हमें कभी कभी काम पड़ जाता है, इसलिए हम खुद चले आए। आपने क्यों जहमत की नवाब साहब, हुक्म कर दिया होता बंदा खुद हाजिर हो जाता। बंदे से नहीं तुम्हारे से काम था, इस वास्ते आए। जी हुकुम। अरे चुप, अकबर और बीरबल से तेरे को क्या काम है जो तू पागलों के साथ ढूंढ रहा है। माफ करना साहब, मैं अपने एक क्लाइंट की बात दूसरे क्लाइंट के सामने नहीं करता, ये अपने धंधे का उसूल है। कोई अपना पर्सनल मैटर है तो बोलो। तुम लोग भी आजकल के डॉक्टर और वकील के जैसे हो गए हो, तुम्हारे से क्या छुपाना। वो दोनों चोरा मेरे 25 लाख की शेरवानी लेके भाग गए, उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है नवाब साहब, जब आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। वो शेरवानी हमें दिला दो, 10 लाख तुम्हारे। 25 लाख रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन ये घाटे का सौदा कैसा। शेर के मुंह से अगर शेर खींच के ले जाए तो वो जिल्लत की बात नहीं, चूहे अगर शेर के मुंह से खींच के ले जाए तो बहुत बड़ी जिल्लत की बात है। तो बस समझिए नवाब साहब, आपका काम हो गया, 8 दिन के अंदर उन चूहों को आपके सामने पेश करता हूँ। वैसे तुम अकबर और बीरबल को कब से जानते हो। नवाब साहब, उन दोनों के हाथों आप जैसे लोगों की शान और इज्जत इसी खाकसार के दर पर आकर नीलाम होती है। नवाब साहब, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, अकबर बीरबल तो अपने पास कैद है, फिर ये दिलावर को कहीं को ढूंढो बोल रहे हैं जी। अकबर और बीरबल तो अपने पास है मगर शेरवानी नहीं। दिलावर चोर बाजार का बादशाह है, अगर अपनी शेरवानी कहीं बिकी होगी उसे पता चल जाएगा। सही बोलते बड़े लोग, बड़े लोगों की बड़ी सोच। आ जाओ सदा, आ जाओ, घर में कोई भी नहीं दिख रहा, बैग ढोल लेके निकल जाएंगे। आ जाओ चल, पुराना गोदाम है घर, जल्दी ढूंढने तो बैग मिल जाता। अब जितना टाइम अपन बैग ढूंढने में लगा रहे ना, इतना टाइम अगर इंडिया गरीबी हटाने में लगाता ना तो आज अपन दोनों के दोनों चोर नहीं रहते थे, समझा। अब सुकून दिख रहा है। हाथ निकाल पीछे से, जब देखो हल्लक में उंगलियां करते रहता, फिर ये इफ्लास हरकतों की वजह से आज इस मुश्किल में आके फंसे हुए अपन। चलो खाना, लो खाना। चिच्चा, ये अकबर बीरबल दिखने में कैसे है? तुम दोनों ही तो है। क्या तू भी बदकमा है रे, चार लोग एक सूरत के कैसा हो सकते। क्या हुआ, मिल गया? मिल गया नहीं, मिली। क्या तू भी मिली रे, तो अपन लोग ना रे। मगर मैं मर गया अभी तो ऐसा दक्षिणानु से रिस्टन ले रखता हूँ, फिर अपन कब खींचा रजिया पर बच्चों के साथ फोटो। फिल्मी फंडा दिख रहा है मेरे को, फिल्मों में डबल एडिंग होती। देखो फिल्मों में भी एक सूरत के दो आदमियाँ रहते, मगर दो सूरत के चार आदमियाँ कैसा रहते रे। क्या है कि उस्ताद, जब से कंप्यूटर का जमाना आया मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये अजब कंप्यूटर का गजब तमाशा दिख रहा। क्या है कि छोड़, कोई तो भी आ जाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास, चल बैग ढूंढेंगे। फोटो देखे जब से दिमाग काम नहीं कर रहा, मोटा सेम मेरे सर का है और उस्ताद भी, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहे हो दोनों चोरों को। आपके शहर की मेहमान नवाजी की तारीफ सुना था, मगर आपकी मेहमान नवाजी जेल से बदतर है। मेहमान नवाजी सिर्फ मेहमानों के साथ होती है, तुम जैसे चोरों के साथ नहीं। क्या चोर चोर की रट लगाए साहब, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। अरे मेरे बीवी बच्चे मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम मैं दुबई पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेहरबानी करो साहब, छोड़ दो हमारे को। अगर तेरे घर में शेरवानी है तो घर को फोन करके शेरवानी मांगा और तुम लोग दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। साहब हम गांव के मेहनतकश लोग हैं साहब, शेरवानी क्या, हम किसी की चड्डी भी नहीं चुराते साहब, मगर आप इंसान नहीं हैवान है साहब, और हमारी आजादी छीन लिया। अगर आप ज्यादा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। अरे और कर भी कह सकते हैं। रुको भैया, भैया रुको, मेरे सलीम को छोड़ दो, ये मेरे सलीम है, मेरे सलीम को छोड़ दो, मेरे सलीम को छोड़ दो भैया, छोड़ दो इन्हें, क्या कर रहे हो मेरे सलीम के साथ, ये मेरे सलीम है भैया, इनको छोड़ दो भैया। क्या उस्ताद बैग नहीं मिल रहा ना। और ये क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। आए
समंदरी लुटेरे लूट के लाए जैसा ला लिए। गांव में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? कानून तो हर जगह है सुल्तान मियां। यहाँ का कानून तो पूरा सपाट दिख रहा। रे, जबान लंबी चल रही तेरी, मुसल कसूं क्या? पड़े से उतकुता बिड्डा। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने पेशेंट कहा है, कहा है रे पेशेंट? यही दोनों है देखो। अब घटा पेशेंट, अरे ये पेशेंट अब घटा। अरे अरे ये तो बंद है, खुला लेना था। अरे ये भी बेकार है, चेंज करा लो, बड़ा डॉक्टर हूँ मैं। ऐसा बात क्या है, मैं कैसे कैसे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, अब तेरी बारी है। एक सेकंड, एक सेकंड। जुओं का डॉक्टर? जुओं का डॉक्टर नहीं हूँ मैं, देख रहा हूँ। अरे हमला गजनी नहीं है जो सिर पे चोट लगी। मैं तो खुद पागल दिख रहा। ए, चलो चलो, पागल हो गए तुम? निकलो निकलो। कौन पागल? ए, मैं फिर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इनका इलाज कैसा करना मेरे को मालूम है। अभी टकला इलाज करता शायद। मैं बहुत परेशान हूँ, इन्हें मेरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजिया आपा, कई को परेशान हो रहे, मैं आ गई ना सब ठीक हो जाएगा। तुम रौनक को जीजा जी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे, मेरी सहेली के जैसी बीवी अरे रे 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 रे। आपको दुनिया में नहीं मिलती। ये कोहिनूर हीरा लंदन से वापस इंडिया में कब आ गया? इसको देख के अमर अकबर अंथोनी की नीतू सिंह याद आ रही मेरे को। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है पर्दा नहीं तो मैं पर्दा ना कर दूं तो अकबर में पर्दा है पर्दा। अब 21 दिन तक ये गांव से जाना ही नहीं है। शहर से आज जब से ही ऐसी है। तू सही बोल रही, जीजा जी बदल गया, उन्हों आज तक मेरे को ऐसी नजरों से नहीं देखे। तू रौनक जीजा जी के ऊपर किसी परी या जिनका साया दिख रहा। चल खैरू बाबा के पास जाएंगे, उन्हों सब ठीक कर देते, समझी? अच्छा क्या बोले मियां उसको? बाबा उसको 200 लिमुआ लाओ बोला, अगर लिमुआ नहीं मिले तो करिया ला लो बोला भाई। बहुत अच्छा करे, क्योंकि नींबू में भी खटास है, कैरी में भी खटास है। आजकल मैं हर खट्टी चीज पे पढ़ के फूक रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। ये तो सही है बाबा, वैसे भी आपके बेटे की अचार की दुकान है ना, कब तक नींबू का अचार बेचते? अरे कैरी का भी रखो बोलो भाई। नेक्स्ट वन प्लीज। क्या है अम्मा, क्या बात है? बाबा ये मेरे मर्द है, कुछ दिन से इनकी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, कोई डॉक्टर के पास गए थे? आप सब ठीक करते बोल के आपके पास ही आए बाबा। फिकर न को करो, खैरू बाबा के पास आ गए, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 बुढ़िया है, इसको क्या करो, सुबह दोपहर शाम बिस्तर के अतराफ जलाओ, फिकर मत करो, अच्छे हो जाते। ठीक है बाबा, चलते हैं। खुदा हाफिज। बाबा पैसे ले लेते। कितने मियाँ, 100 की है, 500 की है? अरे 100 की है बाबा। अरे ख्याल रखो मियाँ जरा। हाँ कोई आ रहे हैं। हाँ आइए बैठो बेटे बैठो। आदाब। आदाब आदाब। क्या किस्सा है बाबा? ये मेरी सहेली रजिया है, इसका शोहर इसको पहचान रहा नहीं और इसके करीब भी नहीं आ रहा। तो क्या छुड़ा देना चाह रहे हैं? जी नहीं बाबा, मैं उन्हें पाना चाह रही हूँ। पाना चाहती हो, ठीक है, ये 3 पुड़ियां दे रहा हूँ मैं, सुबह दोपहर शाम जी। शोहर के बिस्तर के अतराफ जलाओ, मैं जैसा बोले वैसा करो, शोहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। इसका दीवाना नहीं बाबा, मेरा दीवाना। तो फिर तुम कहीं खुली है पुड़ियां? ये लो उनको दियो। क्या आप हर मरीज के लिए यही पुड़ियां देते बाबा सबको?
हर मरस की दवा जिंदा तिलिस्मात बोले तो वहाँ एतराज नहीं करते। खैरू बाबा के पुड़ियों पे एतराज क्या है? जाओ देखो इसका कमाल। खुदाफिज। पार्टी बहुत बड़ी है, अब क्या है तो काले बकरे का नक्शा डालो। ये धुआं कहीं का है रे? घर को आग लग गई या कोई कचरा जला रहा बाहर? उस्ताद मेरे को ये बेहोश करने वाला धुआं दिख रहा। अब चल अंदर जाके देखेंगे। हाँ चल देखेंगे। चल। चौदवी का चांद हो आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कमीनी डाइन जीने तुड़ा बांधी तो इस वास्ते मुझे खैरों के पास ले गई थी ताकि मेरा शोहर तेरा दीवाना हो जाए। आपा मैं अनबिहाई बच्ची पे ऐसे इल्जाम नक्को लगाओ फिर मेरे से कौन करेगा शादी? मेरे घर उजाड़ के अपना घर बसाना चाह रही है करम जली? रजिया पा एक अनबिहाई बच्ची पे ऐसे छिछोरे इल्जाम लगाते हुए आपको जरी लज्जा नहीं आई? चुप। या अल्लाह इनु फिर से मेरे को आपा बोले, या तो इनको उठा ले या फिर मेरे को उठा ले। आप शादी की फिक्र नको करो, उसके वास्ते मैं हूँ ना। छी ये गांव वाले स्मार्ट लोगों को नहीं पसंद करते शायद। हाँ इसलिए मेरे को भी कभी नहीं पड़ रहे। ये अचानक नवाब इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा भाई? क्या है मेरे को तो मेरे बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, क्या हाल हो रहा क्यों लोगों का? अचानक ये मेहरबानियों का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मतलब तो साफ है अकबर मियां, तुम हमारे लखते जिगर को पसंद आ गए। सलीम सलीम मेरे सलीम, कहाँ थे तुम सलीम? भैया ये मेरे सलीम है, कहाँ थे तुम सलीम? कैसे थे तुम? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए सलीम। भैया कुछ समझाओ। ये पागल नहीं मेरी बहन है, इसकी शादी तेरे से होने वाली है। और एक भाभी। चुप बैठ, क्या तो अभी दीवाना बना है? क्या साहब मैं शादीशुदा हूँ, दो बच्चों का बाबा हूँ। एक काम करो इससे कर दो, इन्हें कुंवारा भी है मेरे से स्मार्ट भी। अच्छा जी बोले कौन करेगा पागल लड़की से शादी? मेरे से शादी कर लो ना सलीम। हवेली को सजा दो, शादी की तैयारी करो। चलो जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल का टाइम हो रहा। गांव में पोल्यूशन नहीं रहता देख, इसके वास्ते सुल्ताना का चेहरा एकदम ताजा है। तुम भागने का प्लान सुनते बोले तो ये ताजा बासी के चक्कर में नको पड़ा उस्ताद। अरे जंगले तू वक्त से पहले बुढ़ा हो गया, तेरे को खदीम हलवों की जरूरत है समझा? तेरे को क्या मालूम जवानी क्या होती? और फिर वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। चलो ले लो आखिरी निवाला है, खा लो। खुशी की लड़ी प्यार जल्दी मुंह खोलो। चलो चलो टाइम हो रहा, चलो चलो जल्दी चलो स्कूल का टाइम हो रहा, भागो। मैं भी मौके की तलाश में हूँ, मौका मिलते बैग लेके निकल जाना है। अबू स्कूल को चलो, रिपोर्ट लेने जाना है। फिर अबू क्या मुसीबत है रे भैया, तुम ला चलो मेरे काम है जरा। आपने चला तो हम भी न जाते। अच्छा एक शरत पे चलता हूँ, वहाँ जाके अब्बू नहीं मामू बोलते बोले तो चलता हूँ। ओके मामू। अगर वहाँ चल के आपा आपा बोले ना तो फिर देखो। मैं जाके आता हूँ, आज तक बैग ढूंढ के निकाल। अंदर आना। May we come in, sir? Yes, come in. प्लीज बी सीटेड। पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपको इतने दिन से बुला रहा था, आपको अब फुर्सत मिली? अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दोनों को ये शाहरुख और सलमान ही है या आमिर भी है? जी नहीं सिर्फ सलमान और शाहरुख ही है। अगर आमिर भी होता ना तो खानों की अच्छी खासी केमिस्ट्री हो जाती। बिल्कुल सही बोले आप, ये बात में भाईजान मिले तो जरूर पूछूंगा। क्या पा ये बच्चे किसके हैं? आपा और भाईजान के।
व्हाट नॉनसेंस। जब ये बच्चे आपके हैं, ये बीवी आपकी है, तो फिर ये आपा आपा क्या है? मास्टर जी, इनू पागल हो गए, इनको इलाज की जरूरत है। खैर छोड़िए, आप रिपोर्ट दीजिए। हाँ, ये रही रिपोर्ट। देख रहे आपा, किसान के बच्चे एक एजुकेटेड आदमी की सोबत में रह के फर्स्ट क्लास पास हो गए। उठो चलो यहाँ से। अगली रिपोर्ट सुल्तान भाई खुद आके लेंगे। सुल्तान भाई, ढूंढते ढूंढते तालू जर नहीं रहे, तेल भी नहीं लगाया मैं। ना बस स्टॉप पे दिख रहे, ना रेलवे स्टेशन पे दिख रहे, कहाँ छुप गए ये लोग? चल जाके आगे देखेंगे लोग। चल निकलते हैं भाई, निकाल। ये लोंग इलेची मिलेंगी ना रे? उसे पान के पेड़े में छुपे की क्या है कि? चल आगे के सेंटर पे देखेंगे। पकड़े बगैर छोड़ना नहीं है। दिल कहे रुक जा रे, रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इमली के खेत में तितली। देखो जीजा जी, आपको छिछोरी हरकत नहीं करना बल्कि आपके बच्चों को साथ लाई। अरे क्या मैं इमरान हाशमी हूँ जो नादिदे को मलिदा मिले जैसा गप गप खाने? क्या है वो डिसेंट आदमी हूँ भाई मैं। अब्बा को इमली का अचार होना, इस वास्ते इमली तोड़ने आई मैं। आपके बाबा को अरवे लगे क्या? क्या बोले? नहीं ऐसा नहीं, मेरा मतलब इमली की चटनी खाने की उम्र आपकी है, आपके बाबा की नहीं। अब मैं जा रही हूँ। झाड़ के नीचे बैठ के प्यार मोहब्बत की बात करते थे। मैं जाके अम्मी को बोलता हूँ, अब सुल्तान आंटी का हाथ पकड़े बोल के। हाँ मैं भी बोलता हूँ। चलो बच्चों, आज इनका काम करेंगे। अरे जाओ रे, बोलो जाओ, कौन डरता तुम्हारी अम्मा से? क्या आइटम है उस्ताद, मैं कौन सा नेक काम कर रहा था कि जो मेरी भीख की जिंदगी में टमाटर की चटनी बन के आई। चाहिए तो दे भाई। चाय है, प्यालियां 200 पानी है, ये अच्छी तो बनाना था। ले 10 रुपए, पहले के पैसे देने के है ना? पैसे पुराना पैसे बाप देते, पैसे दो। किसके पैसे? अरे भाई पैसे दो, पहले के पैसे देने के है ना? अरे नखरे कर रहे, पुराना पैसे देने के है ना? ढूंढ रहा बेटा, मिला तो सही, पैसे तो देने वाला नहीं है तू। मारो रे पूरे मिल गए इसको, देओ रे। अरे फंस गया, मारो इसको। अरे भाई कौन सा भाई, मैं के पैसे देना? अब्बा छोड़ ले भाई। अब्बा अरे कीड़े पड़ो तुम लोग। उस्ताद क्या हुआ रे? हमारे भाई मेरे को जो चौथा तरफ से फुटे ढोल के जैसा फुट गया, कौन करे ये हालत? गांव वालों के पैसे देना है कितने भाई, पूरे मिल के मारे भाई। अरे हौले मारे तो मारा खा क्या जाता, एक आध बस लारी उठा के आंख पे डाल देना था, दिल को पिक्चर आने देखता। चल कोई बात नहीं, गांव से निकलने के टाइम एक एक को चुन चुन के मजा बताएंगे। जैसे पैसे तो नहीं लिए ना तेरे? पैसे लिए बल्कि मारे भाई। क्या सोने के कलम से किस्मत लिखा के लाया मियां? पहले नौकर, फिर चोर, उसके बाद इतने बड़े खानदान का इकलौता दामाद। ठहर बेटा, आज नवाब साहब के हाथों तेरी पिटाई नहीं कराया तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं। जोर से बोलो ना, मेरे कान में क्या बोल रही? अनारकली पे दिल है सो? क्या गड़बड़ है वो? कुछ भी नहीं नवाब साहब। कुछ भी नहीं क्या? हिम्मत है तो साफ साफ बोलो। तुम बोलो। अनारकली मस्त माल है, बरसों से मेरी नजर थी, तू बीच में आके उड़ा के ले जा रहा करते। घटिया आदमी, क्या बोला? चंगेजी खानदान की बच्ची को माल बड़ा। नवाब साहब तुम्हारे अम्मा की कसम, मैं ऐसा नहीं बोला जी, ये छोटा झूठ बोल रहा। नवाब साहब की जन्नत नसीब अम्मा की झूठी कसम खाता रे। अरे झूठे, हमारी मरुम अम्मा की झूठी कसम खा रहा। अम्मा और आपके घर दामाद को छोटा भी बोला नवाब साहब? हमारे घर दामाद को छोटा बोला? अम्मा इन दोनों से इज्जत से पेशा, समझा? खुरचनो, अरे चल जा रहे फुसफुसे, तुम लोगों को देख ले तो देख लेता, चल। अरे टीपू, मेरे को रजिया और बच्चे याद आ रहे रे। अरे तुम फिकर कहीं कर रहे सुल्तान भाई, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे भागने की, इंशाल्लाह खाली तुम देखो बस। तेरे ऊपर शिकायत है, गांव में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा, इदंता एंद बीटा। अरे टीनेज में ऐसे गलतियां हो जाते साहब, तो आप क्या फांसी की सजा देते? देख सुल्तान, अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत पर नजर डालना तेरे लिए गुनाह है। ये तो ये खासी साहब, जब से ये हैदराबाद से आए हैं, मेरे को आपा आपा बोल के
मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं। बीवी को जानबूझ के बहन बोलना बहुत बड़ा पाप है सुल्तान। अरे मैं 10 बार बोल रहा हूँ, मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ बोल के, मगर आप लोग हैं कि बार बार रिलायंस का चिप एयरटेल के हैंडसेट में एक्टिवेट करने को जा रहे हैं। सुल्तान, मेरे पास तेरा निकाहनामा है और सारे गाँव वाले गवाह है कि तेरी शादी रजिया से हुई है। हमारे लाल बादशाह पागल गाँव वाले बोले तो आपको यकीन आ रहा, शहर का एक इंटेलिजेंट आदमी बोला तो यकीन नहीं आ रहा आपको। अगर तू अकबर है तो कोई प्रूफ है तो बता। हैदराबाद में ऑटो में फिर के ऐलान कर रहे थे कार्ड बना लो बोल के, अभी ऐसा आईडी बना है, आज अगर कार्ड रहता तो टकले के मुंह पे मारता था। क्या सोच रहा रे तू, तेरे को अकबर के नाम से कोई पहचानता तो बता। क्या बात बोल रहे सरपंच साहब, उस्ताद को पूरा हैदराबाद पहचानता। ऐसा तो आज ही जाएंगे हैदराबाद और मालूम करेंगे तुम लोग कौन है। हैदराबाद गए तो नवाब और दिलावर मिलके अपना शोरमा बना देते। हम हैदराबाद में नहीं रहते, मुंबई में रहते और मुंबई में हमारा कोई भी नहीं पहचानता। क्या है रे, हौला दिख रहा हूं मैं, कभी मुंबई कभी हैदराबाद, 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सुधर गए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। गांव में ऑक्टोपस पॉल रहता तो अभी क्लियर कर देता था कि मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ। खरीद लेंगे ऑक्टोपस। सुल्तान, अगर तू पागलपन में अपनी बीवी को बहन कह रहा है तो इसका इलाज है, अगर जानबूझ के कह रहा है तो तेरे लिए ये रिश्ता खत्म। खत्म हो जाना या किसको, अपन तो सुल्तान है ही नहीं। बस अल्लाह खैर करे। उस्ताद, ये गांव वाले तुम्हारे रजियापा का मरद बना के छोड़े सरकार दिख रहा मेरे को। इतने दिनों में एक बात समझ में आई रे कि रजियापा का मरद सूरज चाल ढाल में मेरे जैसा है बोल के। सोने पे सुहागा, उनका नौकर टीपू भी मेरा सरकार दिखता करते। कुछ भी हो बाप, सारी दुनिया भी अगर अपने को रजियापा का मरद बना देना तो अपन ये बात ना माने हैं ना मानेंगे। और जरा सुल्ताना के मामले में सीरियस नको, नहीं तो पूरे गाँव वाले हलीम गोटा सरकार घोट देंगे अपने को। चांस लेके देख रहा हूँ, पटी तो पटी, नहीं तो कैटरीना के फ्रेडी बोल के निकल जाना है। फिर शेरवानी का दीवाने बात ना को कर, शेरवानी कैसे तो इतनी परेशानी झेल रहे, उसके बाहर कैसे जाते रहे। खाली बातों से नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। फिक्र मत कर, शेरवानी के लिए सारा घर खोद देंगे। हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप। अरे फ्लास, तेरे से तो अमिताभ बच्चन अच्छा है, देख जाके धर्मेंद्र की शादी की बात कर रहा। बुरा नहीं तो उसमें क्या है, मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारी शादी की बात, कलिज करता हूँ। ऐसा सही बोल रहा। अब ज्यादा मस्का ना कमरो, कल जाता हूँ। जाके शादी की बात ऐसा कर कि उसका बाप सहरा लेके आ जाना गाते हुए, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। क्या बोलता, देखिए फिर यकीन करो मामू, मैं आपकी लड़की का अच्छा ख्याल रख लेता हूँ। दिमाग खराब हो गया खलील तेरा, जरा एक बार और अच्छा सोच लेना था। एक बार सोच लेना था, अरे हजार बार सोच लिया, चल निकल। इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे जा। भुगतो भुगतो, ये लंगा भुका मेरी बच्ची से शादी करता करते। वालेकुम चिच्चा। वालेकुम सलाम, आओ टीपू बैठो। फिर वही टीपू चिच्चा, घर में बेर का झाड़ रहा तो फतरे आते, बच्ची अगर रही तो रिश्ते आते, मगर ये पहाड़ कई को आया रिश्ते के सिलसिले में। तेरा रिश्ता तो नहीं लाया ना। अरे मेरा नहीं चिच्चा, मेरे उस्ताद का रिश्ता लाया। वो इस बोल रहा हूँ, कई को बोले तो मेरी बच्ची दुबली पतली है, वैसे तेरा उस्ताद करता क्या। मेरे उस्ताद हैदराबाद में टॉप के टेलर है। टेलर है, ड्राइवर रहता तो अच्छा रहता था। वैसे छोड़, तेरा उस्ताद शौखा क्या करता। शौखा छालिया भी नहीं खाते। छालिया भी नहीं खाता, इतना गरीब है तेरा उस्ताद। हाँ? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद चाहिए। गरीब शरीफ नहीं चलता। आप गया सो पुट्टे को देखा। और देखा, गांव का सबसे शरीफ पुट्टा है मगर कंगाल है। मेरे शौखा पूरे कर सकता रे उन्हें। कैसा दामाद हूँ? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद है तो देख, तेरे को भी कमीशन देता हूँ। एक बार उस्ताद को देख लेना था। अरे जा भाई जा, इफ्लासियों को देखे तो घर में इफ्लासी आती करते। अफसोस, मैं इतना समझाने के बावजूद भी आप एक अच्छे रिश्ते को टुकरा रहे। बेचारे उस्ताद अब क्या कर लेते कि कहने की। खैर चलता हूँ चिचा, देखेंगे फिर इंशाल्लाह। 35 साल में जमाना कितना चेंज हो गया। शोले की मौसी धमिंदर गुड़ है बोल के बसंती को नहीं दी, और ये मौसा गुड़दामत होना पड़ा। सुल्ताना, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं अपने पास, अब भाग जाएंगे अपन। सही बोल रहे तुम, अब ऐसे करना है। अब ये देखना भी बाकी था।
तुझको आज बताना होगा क्या थी वो मजबूरी, साथ उम्र भर का देना था, दे दी उम्र भर की दूरी। कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर।